नमस्कार, काम से जी चुरा कर टीवी पर टाइम पास कर रहे देवी और सज्जनों का स्वागत है। और जो स्टूडियो में आए हैं चुपचाप यहाँ बैठे रहे, नहीं तो फूट लें। लोग हंसते हैं, गावत हैं, चुप काहे रहे, टिकट खरीद कर आए हैं। चाचा, कौनो उल्लू बना दिया तो को, सब फ्री में आए हैं यहाँ। टिकट का पैसा बच्चन वासे लेंगे। हाँ तो मकला मैन जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ से जीती हुई धनराशि का क्या करेंगे आप? मेरा बाप बेवड़ा है और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती है, सिग्नल के नीचे हमारा पूरा परिवार सोता है। अच्छा, तो फैमिली के लिए घर खरीदोगे? नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 1 BHK लूंगा। लिविंग में रहने के लिए घर ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है भाई। बहुत नेक ख्याल है आपके। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? आप बुरा मत मानिएगा, इस नकाब में आप सूसू कैसे जाते हो? कहीं चैन तो दिख नहीं रहा? नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी भाई। मकड़ा मैन जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक फोटो दिखाया जाएगा, फोटो देखने के बाद आपको सवाल का जवाब देना है। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, परपेंडिकुलर फैजल खान का क्या लगता था, भाई, भौजाई, साली या साला? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए हैं 1000 रुपए। आज हमारा नेट पैक खत्म हो गया है तो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई, 1000 कैश पकड़िए। मकड़ा मैन जी, आप इतना उछल कूद कैसे कर लेते हो? इतनी एनर्जी आपके अंदर आती कहां से है? बचपन में माँ का दूध पिया था, ये सब माँ के दूध का कमाल है। बहुत बढ़िया मकड़ा मैन जी, के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। केवल ताली ही बजाते रहे, एक कप चाय तो पिलाई नहीं अभी तक, तो बाहर जाके पिया हो। मकड़ा मैन, चलिए दूसरा क्वेश्चन 5000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये। टाइटैनिक जहाज जो डूब गई थी उसमें कितने इंजन थे? 10, 4, 8, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत चुके हैं 5000 रुपए। मकड़ा मैन जी, मतलब आपको इसका सही उत्तर पता है? बिना इंजन के गए तभी तो जहाज डूब गई, इंजन होता तो डूबता नहीं भैया। चलिए जो भी रहा हो, आप ये 5000 नगद कैश रख लीजिए। आप ये बताइए मकड़ा मैन जी, बॉलीवुड फिल्में तो देखते ही होंगे आप? हाँ, और बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन है, कभी मिले आपको तो हाय बोल देना मेरा। अरे मिले क्या, आपके सामने बैठे हैं भाई। आप बच्चन साहब नहीं हो सकते? अरे हम ही हैं। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। देखा, मैंने बोला ना, आप बच्चन साहब नहीं हो, अपना नाम खुद शहंशाह बता रहे हो। अरे हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, हम ही बच्चन हैं। आप नहीं हो, मानो या ना मानो, 102 नॉट आउट देखी थी, उनकी उम्र 102 साल हो चली है, आप 70-75 के ही दिखते हो। खैर छोड़िए, कभी कभी तो हम ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न 10000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, घर के अंदर मकड़ा मकड़ियों को खात्मा करने के लिए किस चीज का छिड़काव करते हैं? अरे मकड़ा मैन जी, आप तो बुरा मान गए। कंप्यूटर जी, सवाल को चेंज किया जाए। आइए आइए, हॉट सीट पर बैठिए। वैसे डिट का छिड़काव करते हैं। तो आइए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल 10000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो ये जो चटनी है इसका स्वाद कैसा था? मीठी, खाती, खाती मीठी, तीखी। चंदू के चाचा, आप बताओ। अरे हम काहे बताएं,
हमें कौन पैसा मिल रहा है? पैसा मिलेगा तो तुम्हारी चाची से पूछ लेंगे। चटनी तो खाई ही होगी आपने, हमारी भी मिसेज बनाती है, वो भी सिलवट्टे पर पीस कर। मिसेज नहीं रहती तो अभिषेक बना देता है, क्या है कि खाली ही तो घूमता रहता पूरे दिन। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 10,000 रुपए। ये लीजिए, नगद रख लीजिए। वैसे आपने उत्तर का जवाब दिया कैसे? मेरी चाची को भी एक लड़का 15 साल पहले चटनी चटा के भाग गया था। चटनी इतनी खट्टी थी कि चाची को उल्टी आ गई। अभी तक खोज रहे हैं उस लड़के को, अब तो बूढ़ा हो गया होगा। चाचा कहीं तुम तो नहीं हो जो चटा के भाग गए थे? चुप कर, बड़ी जवान चल रही है तेरी, काट देंगे। मगलो मैन जी, बुरा मत मानिएगा, क्या इसी ड्रेस में आप सो भी जाते हो? नहीं, निक्कर पहन के सोते हैं। अजीब सा सवाल है। अरे आप तो बुरा मान गए, जोरदार तालियों हो जाएं एक बार मगलो मैन जी के लिए। अगला सवाल 20,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आईफिल टावर से ताजमहल के बीच की दूरी कितनी है? 5,545 किलोमीटर, 6,532 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,008 किलोमीटर। लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगे हम। फोन ऑफ फ्रेंड। हाँ तो आप कौन से दोस्त को फोन करना चाहेंगे? हाँ तो आयरन मैन को फोन लगाया जाए। मैं अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति से बोल रहा हूँ। आपको पता है आपने कहाँ फोन लगाया है? यह वासेपुर है। यह आदमी को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए बुर्का पहनना पड़ता है। फोन रखो चुपचाप। आपके दोस्त बातों ही बातों में हमें धमकी दे दिए। अब आपका पहला लाइफलाइन खत्म हो गया। दूसरा लाइफलाइन ऑडियंस पोल का प्रयोग करना चाहेंगे। ऑडियंस में बैठे लोग वोट कीजिए। सॉरी, किसी भी ऑडियंस को ये पता नहीं है, सबने ना में वोट कर दिया। मैं अपने जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगा। तो जोड़ीदार कौन है आपका? शक्तिमान। शक्तिमान,